हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है सोलहवीं सहरी। तो अभी आज मैं सहरी में खाने वाली हूँ अम्मी जान के हाथ की बिरयानी। इसी के साथ साथ मेरे खाला ने कल अफ्तारी के वक्त में भेजे थे हमारे लिए शीरकुरमा। तो जी हाँ, मैं आज शीरकुरमा भी पीऊँगी। देखिए, ईद के आने के पहले मेरी खाला जान ने मेरे लिए शीरकुरमा भी भेज दिए, तो शीरकुरमा पीऊँगी आज सहरी में। और इसके साथ साथ वो फिर रात में कहीं बाहर गए थे, तो उन्होंने मेरे लिए, उनको पता है मुझे हलवा पराठा पसंद है, तो हलवा पराठा भी ला कर दी। इसी के साथ मेरे भाई ने पाव भी लाया है, तो चाय पाव भी खाएंगे। थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ खाएंगे और सहरी करेंगे। आप लोग भी आइए, सहरी करिए। तो चलिए, आज दिन भर क्या करूँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी तक फिर से मेरा बेटा उठा नहीं है, अभी तक वो सो ही रहा है, तो उसे उठा रही हूँ। वो उठेगा तो फिर इंशाल्लाह साथ में सहरी करेंगे। आज वो मेरे पास ही सोया था, क्योंकि पलंगा फंगा ख़राब हो चुका है। मेरी अम्मी जान कल कर रहे थे पंखे के लिए प्रोसेस, उसे बनवाए भी, फिर भी वो सही से लग नहीं पाया हम लोग से। तो कोई बात नहीं, आज इंशाल्लाह देखेंगे। तो मैंने बेटे को उठाती और सहरी करती, तो चलो आप लोग भी जाइए सहरी करिए। फिर आज दिन भर क्या करूँगी मैं तो शेयर करूँगी। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तो आज मैं कोई रेसिपी ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ। आज मैं देखिए रेडी हो गई हूँ। आज मैं आप लोग मेरा पहले आउटफिट देख लीजिए। आज मैंने ये पिंक कलर का आउटफिट पहनी हूँ और ये मैंने खुद ही डिज़ाइन करी हूँ, मेरे टेलर से स्टिच करवाई हूँ मैंने। तो कैसा लगा मेरा आउटफिट ज़रूर बताना। और मैंने आज ऐसा वाला हिजाब भी बांधी हूँ। तो आप लोग गैस कर सकते हैं कि मैं आज ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ रेसिपी, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ मीनारा मस्जिद। हाँ, तो मैं आज जा रही हूँ मीनारा मस्जिद मोहम्मद अली रोड। तो मैं आप लोगों के लिए देखिए आज जा रही हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। तो वहाँ पर मैं आज क्या क्या करूँ, आज मैं अफ्तारी भी वहीं खोलूँगी। अफ्तारी में किधर खोलना नहीं मालूम। आज हम लोग क्राफ्ट मार्केट जाने वाले हैं। आज सबसे पहले हम लोग वहीं अफ्तारी खोलेंगे, तो वहाँ पर पहले अफ्तारी करेंगे, फिर उसके आगे हम लोग मोहम्मद अली रोड की तरफ जाएंगे। तो आज क्या क्या करूँगी ये ब्लॉग में आप लोगों को देखने मिलेगा, और ये बहुत अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी मैं आप लोगों के लिए। मैं बहुत डिटेल्स में आपको मोहम्मद अली का सारी चीज़ें बताऊँगी। तो आप लोग मेरे इस ब्लॉग को बहुत पसंद करें, और इससे पहले जो आप लोग ने जुम्मा का ब्लॉग को पसंद किया, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो इसी तरह मेरे ब्लॉग को पसंद करिए, मेरी अम्मी जान की रेसिपीज़ को भी पसंद करिए। तो चलिए चलेंगे अभी, और मैंने जो भी शॉर्ट्स बनाऊंगी मोहम्मद अली रोड के लिए, तो वो आप लोग उसे भी पसंद करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और मेरे इस ब्लॉग को आगे तक ले जाइए। जो लोग मोहम्मद अली रोड नहीं जा पाते तो उनके लिए ये ब्लॉग ला रही हूँ, और जो लोग जाते हैं तो वो लोग भी ये ब्लॉग देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्लॉग देखिए और मुझे बताइएगा कि मेरा मोहम्मद अली रोड का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो चलिए अभी आपको वहाँ पर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। पहले मोहम्मद अली जाने के लिए हम लोग ने ना यहाँ पर सबसे पहले ट्रेन में, मैं ट्रेन में गई थी तो ट्रेन आ गई थी हमारी, तो अच्छे से हम लोग पहुँच गए थे। तो अभी वहाँ पर देखिए क्या खड़े गरम मसाले मिल रहे थे वहाँ स्टेशन के बाहर, माशाल्लाह से। देखिए मैंने एक एक क्लिप्स उसका शूट की, वो इतने प्यारे लग रहे थे ना वो पेपर में बिछे हुए, बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और वो लोग देखो ना कितना अच्छी तरह से इसको प्रेजेंट किए थे गरम मसालों को वहाँ पर, और वो सस्ता भी था एकदम रीजनेबल भाव में, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं था वो, पर हम लोग ने लिए नहीं, मैं घूमने थी। और यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर ये साबू सिद्दीक, ये पहले इसका नाम अलग था, यहाँ पर है ना मेरा बड़ा बेटा पहले स्कूल आता था, इधर पे मदनी स्कूल थी जमात वालों की, तो वो वहाँ पर पढ़ता था। देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी कलर की मैंगो, यहाँ पर बल्ली मलाई थी, टोपियाँ थी, बहुत मार्केट लगा था। यहाँ से शुरू हो गया था क्राफ्ट मार्केट का नज़ारा, तो मैंने वो भी सब शूट करी हो। मैं मोहम्मद अली बोली थी बाद में जाओगी। तो देखिए यहाँ पे आप लोग, वो स्कूल का बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ मेरा बेटा पढ़ता था, और वही गली में ये पूरा मार्केट है, मनेश मार्केट या क्राफ्ट मार्केट बोलो, यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कपड़े कट पीस है, सूट के पीस है, इफ्तारी हो और जूते सैंडल हो चप्पल हो जो भी हो, यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल थी। और इफ्तारी भी देखिए यहाँ पे लगी थी, देखिए पूरा मार्केट है ना यहाँ पर, अच्छी तरह लगा था। यहाँ पे कटलरी सामान भी बहुत मिलता है, हाजी लोग का सामान भी बहुत मिलता है यहाँ पर,
तो ये सारी चीज़ें आपको मनीष मार्केट में इजीली मिलेगी। देखिए माशाल्लाह से ये कितना प्यारा एंट्रेंस बना है साबू सिद्दी का। हम लोग गए थे पहले, मेरा बेटा स्कूल पढ़ता था तो इतना डेवलप नहीं हुई थी, पर अभी वो काफ़ी डेवलप हो गई। मेरी अम्मी जान अंदर पूछने गए थे कि हम लोग यहाँ पर अफ्तारी खोल सकते क्या, उन्होंने बोले हाँ आप लोग बाहर से लाकर खोल सकते थे। पहले वो लोग ही प्रोवाइड करते थे बट अभी नहीं करते, खुद लाकर खा सकते वहाँ पर, वापस स्टे करने रूम देते हैं वो लोग फ्री में, तो आप लोग खा सकते हैं। तो देखिए मैं मार्केट में पूरा चलते हुए आ रही थी तो वहाँ पर है ना एक भाई ने हमको बोले थे कि आगे लेडीज़ लोग के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया गया है। तो देखिए मैंने कुछ कुछ शूट किया, यहाँ पे इफ्तारी का लगा हुआ था, खजूर थे, जूसेस थे, बहुत पब्लिक वहाँ पर इंजॉय कर रही थी अच्छी तरह। देखिए मैं मेरा बेटा किस तरह से, मैं बीच बीच में ऐसे वीडियोज़ भी ले रही थी। तो देखिए यहाँ पर वो मस्जिद थी जहाँ पर लेडीज़ लोग के लिए एहतमाम किया गया था, लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए किया गया था। और कुछ कुछ बच्चों के देखिए टॉयज़ वगैरह सब सस्ता मिलते हैं वहाँ पर राफेड मार्केट मनीष मार्केट में, आप लोग भी ले सकते हो। और देखिए सबसे पहले हमको अफ्तारी मिली थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। इसके अंदर है ना कटलेस, पसीक, क्रिस्पी चिकन, समोसा, बहुत आइटम दिए थे वो भाई ने, हम सबको एक एक डब्बा दिए थे। उसके बाद जो मस्जिद की अफ्तारी हमको मिली थी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इंतज़ाम किए थे वो लोग ने, सारे लोग खुशी खुशी खाए और बहुत सी दुआएं हमने की हैं वहाँ पर। देखिए बहुत लेडीज़ बहुत गर्दी थी और अफ्तारी भी माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन दिए थे वो लोग ने। हमने अफ्तारी का टाइम हुआ, दुआ की है, फिर रोज़ा खोले, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। देखिए रात का मंजर है वो साबू सिद्दीक स्कूल का जहाँ पर मेरा बेटा पढ़ता था। और देखिए बाज़ार में भी कितना धीरे धीरे क्राउड हो रहा था क्योंकि रात में ही पब्लिक आती है। मैं जल्दी चली गई थी क्योंकि मेरा बेटा बहुत सताता है, इसके लिए हम लोग जल्दी जल्दी चले गए ताकि मैं अच्छे से ब्लॉगिंग कर पाऊँ और शूट कर पाऊँ। फिर भी मैं बोलूँगी कम से कम मिनिमम उधर पे 80% गर्दी थी, अगर मैं और लेट जाती तो 100%। देखिए ये मस्जिद बंदर के तरफ का रास्ता था, वहाँ पर भी एक प्यारी सी माशाल्लाह मस्जिद थी जो सजी हुई थी। और ये सब वही मस्जिद बंदर का रास्ता है, वहाँ पे पूरा मार्केट लगा, ऐसा नहीं है कि मोहम्मद अली रोड या नल बाज़ार या पाईदुनी ये सब जगह मार्केट नहीं लगता है, हमेशा यहाँ पर मार्केट लगता है। पर रमज़ान की रौनकें अलग ही होती है, आप लोग देख सकते हो मेरे वीडियो में। हाँ मैं वीडियो शूट नहीं थी कि माशाल्लाह सेवई भी वहाँ रखी थी, कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी मैंने सब क्लिक करी उसमें, शादी के सरारे ये सब सब लगा हुआ था वहाँ पर। और पूरा मोहम्मद अली रोड में पूरा मार्केट ही मार्केट देखिए लगा हुआ था, हर एक चीज़ का मार्केट वहाँ पर था, चप्पलों का और बच्चों के कपड़ों का। और देखिए यहाँ पे मेकअप के सामान, कटलरी सामान, हर चीज़ जिन लोगों को जो जो चाहिए वो सारी औरतें आदमी लोग सब लोग ले रहे थे अपना अपना। देखिए यहाँ पे दस्तरखान का सेक्शन है, हर चीज़ रोड में आपको मिल जाएगी और वो भी एकदम रीजनेबल प्राइस में, आप लोग बार्गेनिंग करके इसे ले भी सकते, कोई इतनी महंगी चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलती, अच्छे से अच्छी चीज़ें आप लोग खरीद सकते हैं। तो यही वो सब सारी क्लिप्स है जो मैंने शूट की हूँ। फिर इसके आगे देखिए हम लोग चलते चलते धीरे धीरे हम लोग आगे पहुँचते गए माशाल्लाह से। देखिए वहाँ पे सेवई कितनी प्यारी डेकोरेट थी। उसके बाद मेन मुद्दा है कि हम लोग ये देखिए मीनारा मस्जिद का लुक माशाल्लाह ज़रूर बोलेगा। देखिए कितनी प्यारी सजी हुई मीनारा मस्जिद, इतनी गर्दी थी अफ्तारी के बाद, सोचो इतनी गर्दी होगी तो जब रात होती होगी तो कितनी गर्दी होगी। वो तो मेरी अम्मी जान के वजह से हम लोग अंदर घुस पाए और बहुत से वीडियोस वगैरह मैंने बनाए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जूस का एक कॉर्नर था, हर तरह के जूस मिलेंगे आपको मोहम्मद अली रोड में, हर तरह के स्प्राइट हो, सेवन अप हो, थम्सअप हो और सोडा हो, कुछ भी आप लोग उधर पी सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए वहाँ रंग बिरंगी क्या फालूदे की दुकान थी, वह बहुत ही बेहतरीन वो अंकल फालूदा बना रहे थे। हमने फालूदा तो नहीं पिए पर फालूदे के वहाँ पे है ना देखिए हम लोग ने लिए हैं, वहाँ पे शूटिंग की हो। और मैं बोल भी रही हूँ कि देखिए हम लोग अभी मोहम्मद अली रोड पहुँच चुके, इतनी गर्दी थी पर वो गर्दी के बीच में मेरी अम्मी जान जगह बना बना के मैंने शूट की। देखिए फालूदे का कलर देखिए, देख के ही दिल खुश हो जाता है यार, तो फालूदा पिए तो क्या मज़े। फिर यहाँ पर देखिए सीख कबाब का कॉर्नर था, इतनी गर्दी थी, हमारा नंबर तो शहरी में आता था, हम लोग ने नंबर लगाए थे पर इतना लेट तक कौन रुकेगा क्योंकि घर पे मेहमान भी आने वाले थे। यहाँ पे देखिए सारी पब्लिक इंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को, अच्छी तरह से मोहम्मद अली रोड का नज़ारा ले रही। और यहाँ पे देखिए तिरंगा शोरमा भी था जो मैंने शूट की हूँ,
हमने उसे भी लेकर खाए थे। और यहाँ पर अलग अलग शरबत बिक रहे थे, तो हमने हमारे बेटे लोग के लिए वो भी लिए, मैंगो शरबत लिए और मोजीतो लिए, वो भी एकदम रीजनेबल प्राइस में थे, एकदम चीप प्राइस बोलूँगी, 40 रुपये का वो जूस था और मोजीतो 50 में था। और मेरी अम्मी जान फिर यहाँ पर मसाला दूध पीने के लिए आ गए थे, तो देखिए उन्होंने मसाला दूध भी लिए, ये भी एकदम रीजनेबल 50 रुपीज़ का था। और यहाँ पर फिरनी भी 50 रुपीज़ में ही मिल रही थी। तो हमने कुछ कुछ चीज़ें खाई, देखिए यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे दूध के कलर थे जो मैंने शूट किए। और मेन मुद्दा यहाँ पे मालपुए का, एक अंडे का मालपुआ 200 रुपये का था और 240 का दो अंडे का था। तो हमने मालपुआ लिए नहीं क्योंकि गर्दी बहुत थी, तो जो हुआ हमने वैसा शूट किया। देखिए अभी वो मालपुआ इस गरम तेल में किस तरीके से बनाए गए, ओहो माशाल्लाह, क्या बोलूँ, नूरानी के मालपुए की तो बात ही अलग है। हम तो बचपन से वहीं से खाते हुए, हमारे अब्बू वहीं से खिलाते थे। फिर आगे चलते चलते वहाँ पर है ना मुझे कोकोनट क्रीम मिली, वो कोकोनट क्रीम खाने के लिए तो मेरे को लगता था सवेरे ही हो जाती थी, तो मैंने खाली नारियलों का शूट की, कोकोनट क्रीम तो मैं नहीं पी पाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम है, क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ थी। और फिर उसके आगे फ्रूट एंड नट वही उधर ही मिल रहा था, कोकोनट क्रीम। इसके आगे फिर हम लोग आगे चलते गए तो वहाँ पर सुलेमान उस्मान मिठाई वाले की दुकान आई, तो वहाँ पर भी हमने देखिए फिरनी की नज़ारे दिखाए आपको, ये मॉडर्न की थी। उसके आगे ही हम लोग सुलेमान उस्मान के वहाँ पर देखिए नज़ारे देखिए खाली मिठाई के, वाह वाह माशाल्लाह, क्या बोलूँ मैं, मम्मा दिल्ली रोड की कितनी भी तारीफ़ करेंगे तो कम है, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें वहाँ थी खाने को। खाने के लिए तो सब कुछ चाहता है पर इतना हैवी नहीं खा सकते हम लोग क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाएगा खाना, तो जो भी लाइट लाइट चीज़ें थी हमने खाए और बहुत मज़ा की। देख लीजिए मेरी अम्मी जान हम लोग सब ब्लॉग में बहुत मस्ती किए और बहुत यादगार पल थे वो जो हमने शूट किए। इसके आगे देखिए सारी लोग औरतें ईद के शॉपिंग करती, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, चप्पलें, जूते, हर चीज़ वहाँ मिल रही थी, सारी औरतें थी। एक बार मैं लास्ट टाइम जाते वक्त भी मीनारा मस्जिद का एक क्लिप ले ली थी। इसी के साथ देखिए आगे चल रहे चल रहे, तो अम्मी जान ने मुझे बोले कि चलो तुमको है ना मैं दरगाह लेके आती, तो हम लोग माशाल्लाह से दरगाह भी गए। तो वहाँ पर मेरे बेटे ने देखे क्या ब्लू कलर की आइसक्रीम खाया उसने। उसके बाद हम लोग डोंगरी के सुल्तान पहुँच गए माशाल्लाह से, वहाँ पर भी हमने ज़ियारत की, दुआएं की। तो देखिए आप लोग माशाल्लाह, वहाँ लोबान का टाइम हो रहा था तो हम लोग उसी वक्त पहुँचे, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून फील हुआ दरगाह में ज़ियारत करके। डोंगरी के सुल्तान देखे पूरी खाली थी और अच्छी तरह से वीडियोस भी बन गए। फिर मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर जाकर थोड़ी सी दुआएं करिए, फिर उसके बाद थोड़ी भूख लगी तो हमने देखी वहाँ पर एक फेमस डोंगरी की सीख पराठा है, ये भी एकदम रीजनेबल प्राइस में, तो मैं इसका शॉर्ट फिट डालूँगी, आप लोग वो भी देखना, आप भी विज़िट करना। और वहाँ पर ये चिकन शोरमा मैं बोली थी ना खाए थे तो मेरे बेटे ने खाए नहीं, तो वो भी मैं लेकर आई। तो देखिए ये वही डोंगरी का रोड है जहाँ पर मैंने शूट करी हूँ। तो यही सब चीज़ें आज मैंने ब्लॉग में बताई हूँ आपको, मोहम्मद अली का ये ब्लॉग। और मैंने इधर पे हम लोग डोंगरी के सुल्तान में थे और यहाँ पे मैंने क्या क्या खाई हूँ। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आप लोगों के लिए ये मोहम्मद अली का ब्लॉग बनाई हूँ, तो आप लोग इसे आगे पहुँचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए हमें अल्लाह हाफिज़ बोलते क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, तो अभी घर जा रही हूँ, तो घर एडिट करके ब्लॉग जल्दी से डाल दूँगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जल्द मिलूँगी न्यू ब्लॉग न्यू रेसिपीज़ के साथ। और इसी के साथ आज फिर से मेहमान आने वाले हैं तो जाना है, तैयारी करना है सहरी की। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।